नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, टीजीटी हरियाणा यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हरियाणा की पोस्ट आ गई है, और ये वैकेंसी दोस्तों वही वैकेंसी आई है जो वैकेंसी थोड़े से दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसके माध्यम से यानी कि सेक्रेटरिएट से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो वैकेंसी गई थी वही की वही सेम एग्जैक्ट वैकेंसी आई है। इवन म्यूजिक की एक वैकेंसी है वो भी आई है। तो आप ये समझें कि इसके अंदर कुछ भी फेरबदल नहीं है। जैसी की जैसी लिस्ट सेक्रेटरिएट से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आई थी वैसी की वैसी एडवर्टीजमेंट में आ गई है। दोस्तों, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये एडवर्टीजमेंट जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको तो ये पता चल भी गई होगी व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से, परंतु जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता होगा। और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं मैं उनके लिए भी बता दूँ, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, और वो आपको तब समझ आएंगी तब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन की, 27/9/2022, और इसी दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके बाद में आप देखोगे ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म जब आप अप्लाई कर पाओगे तो 5 अक्टूबर 2022 से आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। क्लोजिंग डेट है वो है 26 अक्टूबर 2022, और क्लोजिंग डेट है जो डिपॉजिट आप फीस करोगे वो 28 अक्टूबर 2022 तक। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझ लें कि इसको आप 2 दिन लेट तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। पहले पेज पे आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट है, इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, इसको जल्दी से स्किप करते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इनविटेशन ऑफ द एप्लीकेशन है। इनविटेशन ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है 7471 TGT की वैकेंसी हैं, और एग्जैक्ट वही सेम जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ बड़े ध्यान से आपको फिल करना होगा, क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन यदि कर दिया तो उसके बाद किसी भी प्रकार का आप चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आप ज़रूर समझ लें, आप कहीं भी कुछ भी कार्य करें उसको इस प्रकार से देखें कि उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। यदि आप कहीं कंप्यूटर सेंटर पे अपना फॉर्म भरवाते हैं, हर स्पेलिंग को चेक कीजिएगा, बार बार चेक कीजिएगा, 2 बार वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद में आप उसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी हालात में। उसके बाद में दोस्तों बात यह है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वो आपका जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट ले लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें, और इसको फर्दर आप संभाल के रख लें। उसके बाद में एक आपका ई चलान होगा जो आप फीस सबमिट करेंगे, उसको भी आप संभाल के रख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में एक बात और बता रखी है, आप अपने पासवर्ड को संभाल के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। यदि क्लोजिंग डेट से पहले किसी ने आपका कुछ बदलाव कर दिया तो उसके लिए बोर्ड किसी भी प्रकार से यानी कि कमीशन किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। तो आप अपने पासवर्ड को बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। अब चलते हैं और नीचे, यहाँ पे आप देखोगे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी कट ऑफ डेट तक। अब आप ये समझें कि जो अब 2022 के अंदर एचटेट है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2021 तक जिनका एचटेट क्वालिफाई है वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आगे आप देखोगे तो बता रखा है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोटो किस प्रकार से होना चाहिए। फ़ोटो के लिए JPG फॉर्मेट चाहिए, ठीक बात है। फ़ोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। उसके बाद में है साइज 2x2 इंच का, ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा। जनरली क्या होता है 3.2 इंच से लेके 4 इंच इस प्रकार से देते हैं, या फिर 3.2 इंच से 2.5 इंच इस प्रकार देते हैं। इन्होंने बिल्कुल चकोर 2x2 इंच का मांग लिया है, और इसी के साथ में बैकग्राउंड आपकी प्लेन वाइट हो या ऑफ वाइट हो। उसके बाद में आपका हेड है वो 80% आपका दिखता हो, और फोटो की रिजोल्यूशन आपकी 600 DPI होनी चाहिए, और आपके सिर पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस सिंबल के अलावा कोई भी सिंबल नहीं हो।
और आपका मुंह खुला नहीं हो और आप स्माइल करते हुए भी नहीं होने चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बता रखी हैं। अब उसके बाद में है, कैंडिडेट को ये फ़ोटो संभाल के रखना है, क्वालिटी पेपर का यूज करना है, जब कमीशन मांगेगा तो उस समय पे फ़ोटो उनको देना होगा। नीचे बात बता रखी है वही जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आपका नाम, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ आप बड़े ध्यान से स्पेलिंग चेक करके भरें। और एक बार आपका मतलब सबमिशन हो गया तो किसी भी प्रकार से आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बार बार ये बात कही गई है, तो इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली लें, इसको वैसे ही मत समझें। फिर और नीचे चलते हैं और यहाँ पे बता रखी है आपकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आप देखोगे तो 10वीं तक आपकी हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, एज आपके 18 से 42 साल, और ये 6th पे कमीशन के अनुसार ये सैलरी दिखा रखी है, ये पता ही नहीं क्यों 7th पे कमीशन के अनुसार दिखानी चाहिए थी, परंतु ये 6th पे कमीशन के अनुसार 4600 और 9300 से 34800 ये दिखा रखी है। इसके बाद में नीचे आप देखोगे तो दोस्तों ये दिखा रखी है पोस्ट, इन पोस्ट के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं है, सोशल साइंस की कोई पोस्ट नहीं है, फिर मैथमेटिक्स की कोई पोस्ट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा की। यहाँ पे कुछ वैकेंसी दे रखी हैं, ये टोटल वैकेंसी इस प्रकार से हैं, इनको आप देखना चाहें। सबसे ज़्यादा वैकेंसी TGT इंग्लिश की हैं जो 1751 हैं, फिर TGT आर्ट्स की हैं जो 1443 हैं। नीचे चलोगे तो आपको साइंस की मिलेंगी, उर्दू की मिलेंगी, 3 सब्जेक्ट की वैकेंसी जिनकी मैं बता रहा था वो है ही नहीं। EWS कैटेगरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उसी के जजमेंट के अनुसार फैसला होगा। फिर उसके बाद में है TGT इंग्लिश के बारे में कि आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स की यहाँ पे डिमांड की गई है। नीचे आप चलोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट की मिलेगी, परंतु साइंस के अंदर यहाँ पे कम्बिनेशन मांगा गया है, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे TGT साइंस में सबसे पहली बात तो 2 साल का डिप्लोमा भी आपने कर रखा BSc के साथ में, तो अप्लाई कर पाएंगे आप। फिर कम्बिनेशन आपका होना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट में से, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 3 आपके पास ग्रेजुएशन में ये होने चाहिए, ये है मेन बात। अब इसके बाद में और नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे मेवात कैटेगरी की। मेवात कैटेगरी के अंदर जैसे मैं आपके सामने बता रहा था कि TGT म्यूजिक है जो इसकी एक वैकेंसी, और मुझे नहीं लगता कि एक वैकेंसी एडवर्टीज करेगा कमीशन, परंतु कर दिया। देखिए एक परसेप्शन के आधार पे मैं बता रहा था कि ये शायद री रिकमेंडेशन के लिए दोबारा से जाएगी सेक्रेटरीट में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, परंतु ऐसा नहीं किया। और इसका एक कारण ये भी है कि बार बार जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने बार बार ये अनाउंस किया कि बहुत जल्द पोस्ट आने वाली हैं, बहुत जल्द पोस्ट आने वाली हैं, जिसके कारण कमीशन पे प्रेशर भी था और जल्दी से उन्होंने एडवर्टीजमेंट करना था, और ऐसा कैसा एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कर दिया। अब नीचे आप देखोगे तो वही सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रखा है AWS के लिए, बाकी ये क्वालिफिकेशन है इसे जल्दी से हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद नीचे आप जाओगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, जैसे TGT एक्सपीरियंस के बारे में, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में सॉरी। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कंसीडर होगा, परंतु इसी के साथ में आपका जो सर्टिफिकेट होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो DO या फिर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस के द्वारा काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि काउंटर साइन यहाँ पे होना चाहिए। रिलैक्सेशन एज में जो रूल के मुताबिक ये मिल ही जाती है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। अब आती है यहाँ पे फीस की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फीस बहुत ही कम, नॉमिनल फीस हरियाणा बोर्ड ने यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रखी है 150 रुपये फीस रखी है मेल और फीमेल जनरल के लिए, और फीमेल के लिए केवल 75, यदि किसी कैटेगरी से हैं तो 35 रुपये मेल के लिए और फीमेल के लिए 18 रुपये। और इतनी कम फीस शायद मैंने कभी देखी हो 2020 और 2020 के बाद में, बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे रखी गई है। अब उसके बाद में देखोगे तो PWD के लिए कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है दोस्तों। फिर आगे आप देखोगे नेम ऑफ पोस्ट वगैरह, ये सब ओल्ड एडवर्टीजमेंट बता रखी है कि ये ओल्ड कैटेगरी इतना था, अब न्यू कैटेगरी के अनुसार ये होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखोगे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर 95% का रिटर्न, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका 5% का होगा, सिलेबस बाद में अपलोड कर दिया जाएगा जो कमीशन की साइट पे आपको मिलेगा,
5% सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इस प्रकार से है। यदि इसके अंदर आपको देखना है तो बाद में इसमें एक वीडियो और बना देंगे जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फैमिली आईडी आपकी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र आपका होना चाहिए, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। बाकी दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट बहुत लंबा है, इसके अंदर से बाकी चीज़ें मैंने कंसीडर नहीं की हैं, बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बाद में इसके बारे में ज़रूरत पड़ी तो और कुछ स्क्रूटनी करके इसका वीडियो बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की ज़रूरत है या कोई क्वेश्चन है या फिर आपको डिमांड है कि कोई नया वीडियो बनाना है इससे रिलेटेड, तो फिर हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड आपके सामने एक वीडियो लेके आया जाए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर छूट गई हैं। दोस्तों ये था एडवर्टीजमेंट जो अभी अभी आया है 27 सितंबर 2022 को। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।